चाहे देखो आगे पीछे चाहे ऊपर नीचे, देखो आगे पीछे चाहे ऊपर नीचे, वाले आंखें नीचे एक दूजे के पड़े हैं पीछे पड़े हैं पीछे। हाँ चाहे देखो आगे पीछे ये चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। पीछे मजदूर पड़ा मजदूर के पीछे पड़ी है मेहनत, अरे पेट पीछे मजदूर पड़ा मजदूर के पीछे पड़ी है मेहनत, मेहनत पीछे मिल खड़ी है मिल के पीछे पड़ा है पैसा, पैसे पीछे है धनवान, धनवान पढ़ाई के पीछे कुर्सी पीछे वोट पड़े हैं, वोट के पीछे नोट खोट है, वोट पड़ी जनता के पीछे, जनता पीछे फैमिली प्लान, जनता पीछे फैमिली प्लान। हाँ चाहे देखो आगे पीछे रे चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। चांद के पीछे पड़ा है रॉकेट, रॉकेट पीछे साइंस पड़ी, अरे चांद के पीछे पड़ा है रॉकेट, रॉकेट पीछे साइंस पड़ी, साइंस के पीछे पड़ा है एटम, एटम पीछे लगी तबाही, उसके पीछे है इंसान, इंसान पड़ा बारूद के पीछे है बारूद के पीछे जंग, जंग के पीछे सुलह लगी है, सुलह के पीछे अमन पड़ा, अमन के पीछे हिंदुस्तान, अमन के पीछे हिंदुस्तान। समझ न पाया कोई अब तक, हर समझ न पाया कोई अब तक, कौन है ऊपर नीचे, दुनिया वाले आंखें नीचे एक दूजे के पड़े हैं पीछे पड़े हैं पीछे। हाँ चाहे देखो आगे पीछे चाहे ऊपर नीचे, चाहे देखो आगे पीछे। भगत पड़े हैं जाप के पीछे, जाप के पीछे पुण्य पड़ा, पुण्य के पीछे पाप लगा है, पापी पड़े हैं पाप के पीछे, कौन है देखो आपके पीछे, आपके पीछे मजहब लगे हैं, मजहब के पीछे पड़ी है नफरत, नफरत पीछे फूट पड़ी है, फूट के पीछे कौम लगी, और गरीबी कौम के पीछे, और गरीबी कौम के पीछे, मिल के चलोगे मिले आजादी, अरे मिल के चलोगे भूख मिटेगी, मिल के चलोगे सबका भला है, तो एक झंडे के नीचे क्यों फिरते हो आगे पीछे, हाँ एक झंडे के नीचे। दोस्तों हम जुल्म के खिलाफ हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मालती देवी चाहे हजार साल जिए, अरे लेकिन हमें भी तो जीने दें, हम भी जानदार हैं, इंसान हैं, और मैं कहता हूं कि हम बेहतर इंसान हैं क्योंकि हम मजदूर हैं, आधी जिंदगी हम अपने पसीने में डूबे रहते हैं, इसलिए हम साफ हैं, और ये लोग अपने ठंडे एयर कंडीशन कमरों में और गद्देदार सोफों पे बैठकर नित नए कानून बनाते हैं। मैं कहता हूं इनके दिल काले हैं और हाथ गंदे। मैं पूछता हूं कभी इन्होंने मेहनत की,
मजदूरी की, पसीना बहाया। दोस्तों हम कमजोर हैं, निहत्ते हैं बिल्कुल, हमारे पास सिवाय अपने बाजुओं की ताकत के कुछ नहीं है, लेकिन इन जुल्म करने वालों को हम दिखा देंगे कि हमारे सीने डायनामाइट है, हमारी मुट्ठियों के अंदर बारूद है। 12 जून की तारीख तय की गई है, 12 जून को हमारी स्ट्राइक शुरू होगी। हम सब वर्कर्स और स्टूडेंट्स मिलकर ऐसा मुजाहरा करेंगे कि इनके बहरे कान हमारी एकता की गरज से फट जाएंगे। बहुत दिया है हमने खून, आखिरी दिन है 12 जून। किसने 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 लगाया ये? हाथ नहीं लगा रहे उसे राम मैंने लगाया है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? ये कौन है? रामो चाचा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? कौन होते हो तुम ये सब सवाल पूछने वाले? मैं यहाँ का वर्कर हूँ, यूनियन लीडर हूँ, और ये रहा हमारा मेमोरेंडम। इतनी भाड़ में गया तुम्हारा मेमोरेंडम? काम करना है तो कीजिए, नहीं तो निकल जाइए यहाँ से। क्या हुआ? जो भी है यूनियन का लीडर या प्लीडर, निकाल बाहर कीजिए, हिसाब कीजिए, आज से ये काम नहीं करेगा। ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा रंजन साहब, अगर मैं यहाँ से चला गया तो स्ट्राइक 12 जून को नहीं आज से शुरू हो जाएगी। कोई परवाह नहीं मुझे, मैं समझूंगा। तो समझ लो स्ट्राइक आज से शुरू, जोड़ते रहना बैठ के इन पुरुषों को। चलो भाई। शिवानी, ये जो बोरियां है ना, अनाज है, ये अनाज मैंने इकट्ठा किया है। तुमने? मगर क्यों? वो जो रुपया था ना जिससे मशीन खरीदी थी, उसी से अनाज खरीदा है, और देखो कुछ रुपया बच भी गया है, वो इस बैग में है। शिवानी ये अमानत है, मजदूरों की अमानत, और आज ये अमानत मैं तुमको सौंप रहा हूं। मुझे? मगर तुम कहां जा रहे हो? जा नहीं रहा शिवानी, ले जाया जा सकता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मजदूर साथियों की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें उन्हें यहां से अनाज देना होगा और रुपया भी, और देखो मेरे साथियों को किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। चंडाल चौकरी हस्ती देवी, आप हैं यहाँ के यूनियन लीडर? नहीं, साथी हूँ। समझदार लीडर अपने आप को साथी ही कहता है। समझदारी का ये तमगा आप अपने सीने पर नहीं सजाना चाहती? मुझे किसी मेडल की जरूरत नहीं, छोड़ो मेरा रास्ता। रास्ता मिल जाएगा, पहले आपको हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। सुनाइए। आपके भाई ने हमारा मेमोरेंडम बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दिया, नंबर एक। नंबर दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यूनियन लीडर्स को भी शामिल किया जाता था, अब वो जगह हमें क्यों नहीं मिलती? नंबर तीन, स्ट्राइक शुरू है, इससे ये ना समझा जाए कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो 12 जून तक की तारीख है, आप हमारी मांगों पर गौर कर लीजिए,
वरना उसके उसके बाद हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड का सारा कारोबार और सारा मैनेजमेंट हम अपने हाथों में ले लेंगे। मजाक अच्छा कर लेते हो। आरती देवी, आरती देवी, आरती देवी, पंडाल चौकरी, आरती देवी, पंडाल चौकरी। मेरे ख्याल में रंजन ने जो कुछ किया है ठीक किया है। हम वर्कर्स की बेहुदा मांगों के सामने झुक नहीं सकते, चाहे हमें कंपनी बंद क्यों न करनी पड़े। कंपनी तो बंद हो ही गई है, अब क्या करना है? नई कंपनी खोलेंगे। पुरानी चीज खत्म होने पर ही तो नई चीज पैदा होती है। कंपनी कोई चीज नहीं है, कोई गिलास नहीं है, कोई एस्टे नहीं है, कोई आपका चश्मा नहीं है। जो टूट जाए तो फिर से बाजार से दूसरा ले आएंगे। वर्कर्स का क्या होगा? मैं जानता हूँ उनकी मांगे मानकर भी हमारा नुकसान कोई नहीं होगा। वर्कर्स की आपको बहुत चिंता है जनार्दन बाबू। रहिए, आप सेक्रेटरी चीफ हैं, आपको पॉलिसी मैटर्स में बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखिए बात, राजवंशी, पहली बार देख रही हूँ आपस में भी इत्तफाक नहीं रहा। ये नाइंसाफी भी तो पहली बार हो रही है। आप समझती हैं कि मैं जो समझती हूँ उसे जाने दीजिए। आप जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। कहिए। लोग आपसे और आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है, खास तौर से और खास तौर से वो रंजन से नाखुश है। तो वो चाहते हैं कि रंजन कंपनी के मामले में दखल ना दे। आप क्या चाहते हैं? वो तो ये भी चाहते हैं कि आप भी कंपनी से इस्तीफा दे दें। आप चाहते हैं लोगों के कहने पर मैं इस्तीफा दे दूं? आप भी कानून से ऊपर तो नहीं है। कानून सबको एक नजर से देखता है। मैं देख रही हूँ मेरे पास काफी कुछ बदल चुका है। जो लोग जनार्दन बाबू के हक में हैं, क्या वो अपने अपने हाथ उठा सकते हैं? भारती देवी, जिसमें हिंदुस्तान कोऑपरेटिव की भलाई हो वही आपको करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा इस्तीफा देना जरूरी है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सोचने का मौका चाहिए। रंजन, हमें अंधेरा अच्छा लगता है। दीदी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं अंधेरे में? इस्तीफा लिख दिया है। इस्तीफा? इस्तीफा? आप इस्तीफा नहीं देंगी, आप इस्तीफा नहीं दे सकती। आप इस्तीफा देंगी तो हम तबाह हो जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ देंगे क्या वो हमें? नहीं नहीं, आप इस्तीफा नहीं दे सकती, आप इस्तीफा नहीं देंगी। रंजन ने जो भी किया है वो ठीक किया है बहन जी। जब भी तुम लोग मेरे साथ होते हो मेरी ताकत दुगनी हो जाती है। और आप उस ताकत को छोड़ देना चाहती हैं? और फिर मैं बात ताकत की भी नहीं कर रहा, सवाल यह है कि जो सूझबूझ आप में है वो और किसी में है? कौन है जो चला सकता है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड को सिवाय आपके? मगर हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा बहन जी, आपके सारे के सारे डायरेक्टर्स बेईमान, मक्कार और छोटे दिल दिमाग के मालूम होते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे पास इन सब लोगों की फाइलें तैयार हैं और इन टेप्स में सब के सब जकड़े हुए हैं। जनार्दन की फाइल है तुम्हारे पास? नहीं है तो बन जाएगी बहन जी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड बिजनेस। तुम जनार्दन को नहीं जानते, उससे तो सच बोलने की बीमारी है। लोग कहते हैं जहां जनता वहां जनार्दन, मैं उल्टा कहती हूँ, जहां जनार्दन वहां जनता। वर्कर्स पर उसकी बहुत होल्ड है। तो हम भी उल्टा ही करेंगे बहन जी, हम जनार्दन को अपने होल्ड में कर लेंगे। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मुझे क्या करना होगा? जी कुछ भी नहीं। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर, नहीं नहीं नहीं, आई मीन रंजन पर तो आपको विश्वास है ना? देखिए बहन जी, जब तक बच्चों पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए तब तक वो जिम्मेदार नहीं बनते। नहीं, तुम कहना
क्या चाहते हो? जी मैं कह रहा था आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी रंजन के नाम कर दीजिए। आपकी गैरहाजिरी में सिक्का रंजन का चलेगा, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। मेरा मतलब है मैं हूँ, दुग्गल है, जीएम है, वो लाइए पावर ऑफ जी। तुम तो तैयार करके लाए हो गए। जी हाँ वो मैं लाया तो हूँ। राजवंशी जितने तुम होशियार हो उससे ज्यादा होशियारी की जरूरत पड़ेगी। जी जी आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये रहा आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज जो कुछ भी बना हूँ उसका सेहरा मेरे दोस्त राजवंशी के सर पर है। मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कमाल तो दुग्गल साहब ने किया है। कमाल और दुग्गल साहब ने? दुग्गल साहब आपने क्या किया है? कुछ नहीं ऐसे बस। यार दुग्गल अब शर्माओ नहीं। देखो भाई बात यह है कि दुग्गल साहब के कुछ विदेशी दोस्त आए हुए हैं एक खास प्रपोजल लेकर। क्या प्रपोजल? वो लोग हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड खरीदना चाहते हैं डेढ़ गुना कीमत देकर। मतलब आपको 45 करोड़ रुपए देंगे और उसके बावजूद फैक्ट्री जो है वो आपके नाम पे रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। प्लीज गए जेंटलमैन मिस्टर रंजन। हेलो हेलो मिस्टर गणपत राय। गणपत राय हेलो हेलो प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। नॉट यू। तुम सब एक साथ डाली मारा था? जा एक साथ मैं नहीं ये। गुड। मुझे कहा गया है कि आप लोग हिंदुस्तान कोऑपरेटिव खरीदना चाहते हैं। क्यों? व्हाट? मिस्टर गणपत राय, मिस्टर रंजन, हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसका नाम है नैश। जो आप अपने इंडस्ट्रीज में बनाता है वही हम विदेश में बनाता है। अगर आप अपना इंडस्ट्रीज बंद रखें जैसा तो आजकल है तो हमारा माल आपका देश में स्मगल हो सकेगा। इसमें आपका भी फायदा है हमारा भी फायदा। हमें मंजूर है। गुड वेरी गुड। आज से हमारा कानून इस किताब का कानून हिंदुस्तान कोऑपरेटिव का नया कानून बनेगा। पिक्चर तुम झूठ बोल रही। तुम प्रेस में गई थी। मैं पूछता हूं क्या पागलपन है? जिन लोगों की मैं हिफाजत करता हूं तुम उन्हें खिलाफ बगावत कर रही हो? हाँ अपने अधिकारों के लिए। इतने हुए कि मैं सीएल का सिक्योरिटी ऑफिसर हूं और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते मेरी ड्यूटीज क्या है। डैडी आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दीजिए। शिवानी अपनी ड्यूटी के तहत अगर मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ा तो मैं झिझकूंगा नहीं। और अगर फर्ज के नाते मुझे आपका मुकाबला करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। शिवानी बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर फख्र है। बेटे हमेशा याद रखना आदर्श के लिए जिंदगी देना बेहतर है, जिंदगी के लिए आदर्श नहीं। अगर तुम्हें अपने उसूलों पर इतना ही भरोसा है तो एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जो कदम तुमने आगे बढ़ाया है उसे मत हटाना। बेटे जुल्म के खिलाफ जो आवाज तुमने उठाई है उस पर अटल रहना। संभाल आज छेती छेती उठे शेर की तरह उठे।
इतना टाइम लेगा ना दुश्मन है ना तेरी खाल में पूसा पड़ देगा। वाह शेरदेव पुत्रा, इसलिए इतना टाइम ले रहा था तू, समझ गया मैं। उस्ताद की हड्डी पन देगा तू। उस्ताद आप है उस्ताद, आपको नया दौर पे चिखाइए उस्ताद। अच्छा सुनो, पहले थोड़ा वजन उठाना चाहिए, ये जो है ना कम करने के लिए। ठहर जा पीमा। हाँ उस्ताद। पीमा जरा वजन उठा के ले आई। ये वजन? हाँ वजन। नई चीज दिखाई देगी। हाँ इसको मैं इस महीने उतार रहा हूँ अखाड़े में दारा सिंह जी के सामने। दारा सिंह जी के? बहुत बहुत तगड़ा लग रहा है उस्ताद, बहुत जरूर लग रहा है। चला दबा आजा। हाँ उस्ताद बोलो। आए इसको चुप, उल्टा हाथ रख रहा है, सीधा रख। हाँ उस्ताद। ए अब देख ये जो खाल है ना खाल है उस्ताद, ये जरे बख्तर की तरह हो जानी चाहिए बिल्कुल कस के, ताकि सामने वाले दुश्मन की गोली जब छाती पे लगे ना टाउन करके वापस जाके दुश्मन की छाती में लग जाए। वाह उस्ताद वाह, बताइए मैं कैसे 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 कैसे। अब चुक। ये अच्छा काम कर, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, तू इस नमाज में लगा रहना। ठीक है सर। हैं मैं ठीक आता हूँ। आवे शाह आज तक मैं ठीक करना। हटाए क्या हुआ, सबके चेहरे क्यों उतरे हुए, कॉलेज से निकाल दिए गए क्या? निकाले नहीं गए विशाल भैया, निकल कर आ गए। हमने फैसला किया कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? फीसें बढ़ा दी गई हैं। बढ़ा दी गई हैं? डबल कर दी गई हैं विशाल भैया, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे तो मन पर, यही तो साजिश है उनकी कि तो मन पर रहो, पढ़ लिख जाओगे तो हक मांगोगे ना, और यही तो वो नहीं चाहते। मगर जी हार के भी नहीं बैठना, जो लोग सूरज की तरफ पीठ करके बैठे हैं उनके साय में नहीं बैठना। चलो सुबह हमारी है, विद्या में मुनाफाखोरी, शिक्षा में मुनाफाखोरी का नाश हो। लाइन कैसे नहीं मिल रही है, अर्जेंट करो, लाइटिंग कॉल करो, पर मालती देवी से मेरी बात होनी ही चाहिए। गेट मी मालती देवी ऑन द लाइन। हेलो हेलो बहन जी, अब जी हाँ मैं राजवंशी बोल रहा हूँ। अखबारों में स्टूडेंट्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। बहन जी मैं बहुत घबरा रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मिस्टर राजवंशी, आपके टेबल पे हमेशा चांदी का गिलास होता है। जी? वो है आपके पास? जी हाँ है। खाली है? जी नहीं, पानी है। पी लीजिए, घबराहट दूर हो जाएगी। जी हाँ पी लिया। अब ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट और मजदूर किसी भी कीमत पर मिलने नहीं चाहिए। क्रैश कर दीजिए उन्हें। जी जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग आपस में मिलने नहीं चाहिए, पर मतलब ये है बहनी के थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है और वो रुपए की चीज है। मैं अभी हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक को फोन करती हूँ, वहाँ किसी भी विश्वास के आदमी को भेज कर रुपया मंगवा लीजिए। और ध्यान से सुनिए, वहाँ के मैनेजर को कोड वर्ड बताइएगा, कांटों का ताज। बहुत अच्छा, गुड मॉर्निंग। इस झगड़े की जड़ तो यूनियन लीडर है, अगर उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाए तो। ओफो फो, उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाए इतना आसान नहीं है, कोई रास्ता बताओ, कुछ सोचो सोचो। आइडिया, छोकरियों के चक्कर में फंसा दूं, दो दिन में लीडर भूल जाएगा, जिंदगी भर डॉक्टरों को इलाज कराता फिरेगा। क्या दुग्गल साहब, भगवान के लिए इन छोकरियों का छोड़िए और कुछ काम की बात कीजिए, काम की। मेरी जिंदगी तो सत्यप्रकाश ने तबाह कर रखी है, समझ में नहीं आता कि ऐसे घर के अंदर की खबरें देता कौन है। जरूर कोई घर का भेदी है जो लंका ढाने की कोशिश कर रहा है। कैयत के हर आदमी पर 24 घंटे की नजर रख दूं? दैट्स अ गुड आइडिया। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी है, मीटिंग खत्म करके जैसे ही लोग बाहर निकलें, हर आदमी के पीछे हमारा एक एक आदमी होना चाहिए। ओके सिक्योरिटी।
मिस्टर कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे उस लड़की से काम है। अरे भाई काम है तो टिकट देके अंदर जाओ ना, बिना टिकट कैसे जा रहे हो? बाहर हाउसफुल का बोर्ड भी नहीं पड़ते, चले आते हैं बिना टिकट। बड़े सही वक्त पर आई हूँ, चुपके चुपके माल उड़ाए जा रहे हैं। लो शेरवानी भी आ गए, स्टूल खींच लो। ये ठीक है, नीचे दे दो। बड़ी भूख लगी है, भगा भगा कर उस मुर्दे ने परेशान कर दिया। हाँ? बिहारी। कौन मुर्दा? था एक, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आए। कहिए दीदी। ये कागज ले जाओ, इनकी फोटोस्टैट कॉपी बनाकर जल्दी ले आओ, मुझे लेके जाना है। बहुत अच्छा दीदी। उनको शक हो गया, उनका एक आदमी मेरा पीछा करा था। फिर तो यहाँ तक आया होगा। तुम्हारी तरह है, खाली बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, दिमाग यूज करती हूँ। एक दूंगा दिमाग का सारा भूत उतर जाएगा। मेरी थाली दे दे, तू अलग कर, अलग कर। देखा बाबूजी, देखा दिल कितना छोटा है, नाम इशारा तो क्या हुआ। अरे ये क्या, बैठ जाओ, आते ही झगड़ा शुरू कर दिया ना। खाओ बेटा। हाँ फिर क्या हुआ? उसे थिएटर पे छोड़ाई हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने थे। अरे हाँ एक और खबर भी है। क्या? आज की मीटिंग में तय किया गया है कि हिंदुस्तान कॉलेज स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाई जाएगी। क्यों? ताकि लोग अनपढ़ रहें और उनका हुक्म सर झुका के मानते रहें। ये किसके आइडिया से हुआ है? आइडिया देने वाला और रह ही कौन गया है, पूरे बोर्ड में तो सिर्फ औरतें हैं, मर्द तो सिर्फ एक ही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मालती देवी अपनी कब्र खुद खोद रही। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, जरा अखाड़े जाना है। मैं भी चलती हूँ ना, रास्ते में छोड़ दूंगी। जी नहीं, मुझे पैदल चलने की आदत है। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं, गरीबों पर और बोझ डाला जा रहा है। लीजिए दीदी, इसकी फोटो कॉपी उतार ली गई। अच्छा बाबूजी मैं चलती हूँ। लेकिन जरा संभल के अच्छा। जाना। आप किसी को ढूंढ रही? क्यों चले आए थे वहाँ से? मैंने कहा था ना मैं भी साथ चलूंगी। अरे यहाँ रुक के तुम्हारा इंतजार भी तो कर रहा था। बेईमान किंग की। इतनी गर्मी। बाय द वे आपकी वो कार कहाँ है? वो थिएटर पर है, मैं टैक्सी में आई हूँ। तो ये बेईमान अगर आपके साथ टैक्सी में चले तो कोई इतराज नहीं। चलो। गुस्से में तो तुम जलेती हो शिवानी। ठीक है आगे से मैं गुस्से में रहा करूंगी। विशाल, हम कब तक इस तरह छुपकर मिलते रहेंगे? अरे बीच शहर में इकट्ठे टैक्सी में जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम छुपकर मिल रहे हैं? ओफो, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि हम साथ इकट्ठे कब रहेंगे। देखा फिर फटी कमीज, और बटन देखो तो बटन भी नहीं है। क्या करूं, कोई सीने वाला भी तो नहीं। मैं सिया करूंगी हमेशा। वादा? तो फिर मैं भी एक वादा करता हूँ। क्या? फैक्ट्री से कपड़े हमेशा फाड़ कर लाया करूंगा। मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। कभी जीने के वादे कभी मरने की कसमें।
गुजर जाए बातों ही बातों में। अच्छा दफा हो जाओ। सलाम कलंदर मियां। वालेकुम सलाम। ओ मुंडिया ओ पहलवानो देख कुड़ी आई। विशाल उन लोगों ने हमला कर दिया। यानी परसों जुलूस नहीं निकलेगा, रात ही रात में सब पकड़े गए और बाबूजी भी उनमें हैं। मगर क्यों? ये पूछने का हक भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जिसे भी पूछने की कोशिश की उसे पकड़ कर ले गए और अब तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मुझे मुझे किस लिए लेते हो ना? क्या जुर्म नहीं है? अपनी जबान खोल के अपना हक मांगते हो, क्या गुनाह नहीं है? अब तो एक ही काम करना पड़ेगा विशाल, अपने मुंह पे ताले लगा दो और चाबियां जो है ना अगलों को दे दो। मुझे लगता है बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। मालती देवी तो चली गई और चंडाल चौकी रातों को सर जोड़े साजिश कर दे रहती है। ये कौन सी चंडाल चौकड़ी है? राजवंशी, जीएम दुगल और रंजन। और अब की कसम जीएम में आता है जितने के जितने छचुंदर है ना, इन सब की पीठ में मैं एक चाड़ू फंसा कर मोर बना के इन सब चूहों को नचाता फिरूं बाजार में। इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रही हो मुझे? ये सब वो छुप कर करते हैं, मीटिंग तो होती नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि राजवंश के ऑफिस से कुछ राज मिले, मिलते ही तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, इधर से बाहर निकलना नहीं। ओ तो इसकी फिक्र मत करो, ये जो है ना ये हमारी छाती के पीछे छुप के जाए।